आज हम आपको क्लास 10 पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड का पाठ एक कबीर के दोहे जो है हमने पिछली वीडियो में आपको समझाए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए समझाते हैं। बिरह भुजंग मनि तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो गौरव होई। तो इसमें विरह यानी कि वियोग, किसी से दूर होने का। भुजंगमन यानी भुजंग कहते हैं सांप को, और मन यानी मन में, तन माने शरीर में, बसे माने बस गया है, और मंत्र न लागे कोई यानी कोई मंत्र काम नहीं करता है। राम वियोगी ना जिवे यानी राम से वियोग होने पर भक्त जीवित नहीं रह सकता। और जिवे तो बौरा होए का मतलब है अगर जिएगा तो वो बौरा यानी पागल हो जाएगा। तो इसका जो व्याख्या है वो इस प्रकार है, जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है यानी भगवान से बिछड़ जाता है जो भक्त, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता यानी वो बच नहीं सकता। राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी यानी भगवान से दूर यानी जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को भूल जाता है, यदि वह जीता भी है तो वो पागल होकर जीता है यानी अगर वो भगवान से दूर हो जाता है तो वो जीवित नहीं रहता, और अगर जीवित रहता भी है तो वो पागलों की भांति रहता है। और इस मतलब कहने का मतलब ये है कि राम के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक माया में को जो है बिल्कुल त्याग देता है। यदि वह इस संसार में जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोग उसको पागल कहने लग जाते हैं यानी भगवान से दूर होकर भगवान का भक्त जीवित नहीं रहता, और वो अगर रहता भी है तो वो संसार का मोह माया उसको सुहाती नहीं है, लोग उसको पागल कहने लग जाते हैं। अगला है, निंदक नेणा राखिए आंगड़ी कुटी बंधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। यानी इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि निंदक यानी निंदा करने वाला यानी हमारी बुराई करने वाला, नेड़ा यानी पास में बिल्कुल नज़दीक में राखिए यानी रखना चाहिए, आंगड़ी कुटी बंधाए यानी आंगन यानी घर के आंगन में, कुटी यानी उसकी कुटिया बनाकर उसको घर में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? बिन सावण पानी बिना यानी वो व्यक्ति बिना साबुन और पानी के निर्मल करे स्वभाव, हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देता है। यानी इसमें इसका भाव ये है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि निंदा करने वाले को हमें अपने नज़दीक यानी बिल्कुल हमारे घर में ही उसको रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि निंदा करने वाला हमारी बुराइयों को हमें बताता रहेगा और हम अपनी बुराइयों को मतलब निकालते रहेंगे, इससे हमारा जो स्वभाव है वो बिना पानी और साबुन के निर्मल हो जाएगा यानी स्वच्छ हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, पोती पड़ जग मुआ पंडित भया न कोय, एके आसिर पीव का पड़े सुपंडित होए। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोटी मोटी किताबें मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता यानी कोई विद्वान नहीं बन पाता, एके आसिर पीव का पड़े सुपंडित होए, परंतु एक अक्षर भी जिसने भगवान की भक्ति का पढ़ लिया वही जो पंडित बन जाता है। कहने का तात्पर्य है यह संसार पोती पढ़ पढ़ कर थक गया यानी कि मोटी मोटी किताबें शास्त्र ज्ञान ये सब पढ़ पढ़ के थक गया, लेकिन कोई भी ज्ञानी ना बन सका, परंतु जो मनुष्य एक बार ब्रह्म ज्ञान का एक अक्षर भी पढ़ लेता है वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है यानी वही सच्चा पुरुष कहलाता है। अब अगला है, हमगर जाण्या आपना लिया मुराणा हाथ, अवगर जाला तास का जे चले हमारे साथ। तो इसमें कबीरदास जी बहुत ही सुंदर व्याख्या की है, उन्होंने कह रहे हैं कि हम यानी मैंने
घर माने मोह माया रूपी घर, जालिया माने जला दिया है, अपना घर जला दिया है। लिया मुराणा हाथ यानी भक्ति रूपी मुराणा यानी मसाल हाथ में लेकर मोह माया रूपी घर मैंने जला दिया है, और जिसे भक्ति मार्ग पर चलना है अब घर जाले तास का, यानी जिसे भक्ति की मार भगवान की भक्ति करनी है तो उसे भी अपना घर ऐसे ही जलाना पड़ेगा, यानी मोह माया उसको छोड़नी पड़ेगी। उसको उन इसका कहने का मतलब है कि मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मसाल हाथ में लेकर अपने घर को जला दिया है, यानी मोह माया को त्याग दिया है। वे कह रहे हैं मैंने भक्ति से विहल होकर सांसारिक वासनाएं यानी संसार का जो मोह है, सारी मोह जो है पूरा नष्ट कर डाला है। अब जो भी भक्त मेरे साथ यानी जिसे मेरे जैसी भक्ति करनी है उसे भी ऐसा करना पड़ेगा, उसको भी अपना घर जलाना पड़ेगा, तभी वे इस संसार के मोह माया से छूट सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो ये आज हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर की PDF मैंने आपको भेज दी है, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें और समझें।